वर्तमान जो बिहार की राजनीति है उसमें नीतीश कुमार के पास विकल्प बहुत सीमित हैं, और जो विकल्प हैं उस विकल्प पर नीतीश कुमार तैयार होने की स्थिति में नहीं है। और अगर देखा जाए तो जिनके साथ विकल्प की संभावनाएं हैं वो भी तैयार नहीं हैं। जहां एक तरफ लगातार नीतीश कुमार को लेकर के संशय की स्थिति में अब आरजेडी भी है, आरजेडी को लग रहा है कि नीतीश कुमार ने अगर 2017 में छल कर दिया, धोखा कर दिया, वो बाहर हो गए, तो क्या आगे अगर समझौता होता है तो वो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा मानना और विश्वास करना आरजेडी के लिए मुश्किल है। इस बार के समझौते की जो तरीके होंगे वो तरीके आरजेडी के अनुसार हो सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि दिल्ली में मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है और लालू प्रसाद के पास विभिन्न तरह की संभावनाओं की तलाश की जा रही है, लेकिन इस बार का समझौता लालू प्रसाद के साथ संभव नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने इस बात को लेकर के जिद कर लिया, या उनकी टीम ने भी इस बात को लेकर के पूरी तरह मन बना लिया है कि अब अगर किसी तरह का समझौता होता है तो उसके फाइनल करने के जो अधिकृत लोग होंगे उनमें तेजस्वी यादव होंगे। लालू प्रसाद द्वारा तय किए गए फॉर्मूले पर पिछली बार घाटा हो चुका था, अब लालू प्रसाद उस स्थिति में भी नहीं है कि वो सक्रिय राजनीति में आकर के अपनी बातें रख सकें और इन चीज़ों को बारीकी से देख सकें। तेजस्वी यादव को इस बात का मलाल है कि उनके पिता को नीतीश कुमार ने धोखा दिया है, और यही कारण था कि उन्होंने नो एंट्री का बोर्ड नीतीश कुमार के लिए लगा दिया था। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार बुरी तरह से परास्त हुए हैं और तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गए हैं, जो पिछले 15 सालों से डोमिनेट कर रहे थे। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की बड़ी गेम प्लानिंग है। अब इन सब बातों को लेकर के तेजस्वी यादव का जो खेमा है वो विभिन्न एंगल पर बात करना शुरू कर चुका है। आपने खबरों में देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को भी ऑफर दे दिया है। इसके साथ ही और कई लोग हैं जो तेजस्वी यादव के साथ जुड़े हुए हैं। AIMIM भी अगर तेजस्वी यादव सरकार बनाने का कवायद शुरू करते हैं या बनाने की संभावनाएं होती हैं तो उनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इतना ही नहीं, अब जो नई संभावनाएं और नई स्थितियां पैदा हुई हैं उसमें जदयू का एक बड़ा खेमा जो है वो तेजस्वी यादव के साथ समझौता करने और नीतीश कुमार को मार्गदर्शक के रूप में आगे आने की बात कर रहा है। तभी बिहार बचेगा और तभी जदयू बचेगी, क्योंकि जदयू को समाप्त करने का भारतीय जनता पार्टी ने जो गेम प्लान रचा है वो साफ बता रहा है कि नीतीश कुमार के लिए संभावनाएं बहुत कम कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के सबसे जो विश्वस्त और करीबी थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में कर लिया है और मंत्रालय में शामिल कर लिया है। RCP सिंह के मंत्रालय में शामिल होने के बाद अब जदयू के पूरी तरह से टिके रहने और एकजुट रहने पर भी संशय की स्थिति आ गई है, और कहा यह जा रहा है कि RCP सिंह अगर चाहें तो जदयू को भारतीय जनता पार्टी के हवाले कर देंगे। ये बातें बहुत पहले से चल रही थी और हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि किस तरह से ये सब कुछ चल रहा है और लोगों में संशय की स्थिति बनती जा रही है, खास करके उन लोगों में जो जदयू को शुरू से देखते आ रहे हैं और नीतीश कुमार की रणनीति को भी देखते रहे हैं। नीतीश कुमार पिछले 3 दिनों से लगातार चुप हैं और ऐसी स्थिति में ललन सिंह की कवायद शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि ललन सिंह के पास वो फार्मूला है जिस फार्मूले से वो नीतीश कुमार की खोई हुई प्रतिष्ठा और जदयू को भी बचा सकते हैं, अपनी प्रतिष्ठा भी बचा सकते हैं, और ऐसी स्थिति में जो RCP सिंह ने किया है उसका जवाब भी दे सकते हैं। फार्मूला कई तरह के बनाए गए हैं जिसमें जदयू के लोग और एक बड़ा हिस्सा जो है इससे संतुष्ट नज़र आ रहा है। फार्मूला क्या है हम आपको अगले एपिसोड में बनाएंगे, लेकिन इतना मान के चलिए कि ये फार्मूला इस बार तैयार करने की जिम्मेवारी ललन सिंह को मिली है। ललन सिंह इससे पहले भी नीतीश कुमार के लिए ज़बरदस्त फील्डिंग करके उनको मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिला चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में वो मात्र शख्स हैं जो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के चंगुल से निकाल सकते हैं। इस पर अब काम शुरू हो चुका है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, जैसे ही फार्मूले की पूरी लिस्ट हमारे पास आती है हम आपसे फिर जुड़ते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। Paytm नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।